बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कल यानी 24 अगस्त 2022 बरोज़ बोध था कि एजुकेटर्स की जो समरी का स्टेटस है वो हम आपको शेयर कर रहे हैं कि समरी 17 अगस्त को डायरी नंबर 22 के तहत फिनांस डिपार्टमेंट को भेजी गई। उन्होंने 2 दिन के अंदर ही इसको अप्रूव कर दिया, क्योंकि तेज़ी से अमल जारी है। वज़ीर आला ने ऐलान किया है कि 60 से 90 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये भर्तियाँ सारा काम मुकम्मल हो जाएगा। फिर फिनांस डिपार्टमेंट ने बगैर किसी इतराज़ के, पिछले दफ़े इतराज़ बताया था, ये चीफ सेक्रेटरी को साइन करके भेज दिए। अब ये बगैर इतराज़ के 22 अगस्त 2022 को डायरी नंबर 455 एक स्पीकर ला को, और सॉरी सेक्रेटरी ला जो है उसको भेज दिया गया है। अफवाहें चल रही थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने माजरत कर ली है कि हम इतनी जल्दी ये सारा काम नहीं कर सकते, लेकिन तरदीद हो गई है इस बात की भी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा कोई और जो है पार्टी, थर्ड पार्टी को हुकूमत जो है वो इजाज़त नहीं देगी कि वो एजुकेटर वगैरह का टेस्ट ले या किसी भी गवर्नमेंट जो सेक्टर है उसमें आने के लिए बगैर किसी उसके, यानी कोई प्राइवेट सेक्टर जो है वो टेस्ट नहीं ले सकता। तो 24 अगस्त को ला ऑफिस से फिर अप्रूव करके मिनिस्टर ला के ऑफिस में भेज दी गई है जी समरी, और फिर वहाँ से सीएम ऑफिस, इंशाल्लाह जैसे ही एजुकेटरी समरी मंजूर होकर मुकम्मल आ जाएगी तो नौकरियों के इश्तहार आना शुरू हो जाएंगे। अमल तेज़ी से जारी है, बाकी आप तैयारी करें। तैयारी के लिए वीडियो मैंने पहले शेयर की है, अब उसको देखें भाई कैसे तैयारी करनी है। मज़ीद हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अल्लाह ताला से बेहतरी की दुआ करें। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर हो। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।